everyone, welcome back. No, 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 Hi everyone, welcome back to my channel and those who are new, hi, my name is Anshika. So, today's video, as I promised you, that is related to summer essential. Today's all products are non-sponsored. This video is not sponsored by any brand. These all products I have purchased on Amazon. And I am going to share the products I am recently using for summers. So, yeah, without any further delay now, let's jump to the video. Alright, so मैं start करूँगी मेरे favorite product से, that is body scrub. मुझे almost summer में हर दूसरे दिन body scrub चाहिए ही पड़ता है. And basically इसी summer में मैंने दो body scrub खत्म कर दी अभी recently. So the one that I use is from M Caffeine and M Caffeine का body scrub I think one of the best body scrub आपको market में मिलने वाला है. So मैंने proof के लिए, like आपको share करने के लिए मैंने अपने दोनों body scrub यहाँ पे रखे. So ये वाला body scrub मेरा last month था जो मैं last month use कर रही थी March में and ये पूरा खत्म हो गया as you can see मैंने just इसे रखा है आपको बताने के लिए and मैंने अभी इसे recently repurchase करा है like मैंने इसका second वाला bottle already purchase कर लिया था month के start में and इसे भी मैंने use करना start कर दिया I think one of the best body scrub आपको under 400 में जो मिलने वाला है वो है M Caffeine का Also, M Caffeine की साइट पे भी बहुत सारी सेल वगैरह चलती रहती है, buy one, get one की, so आप definitely चेक कर सकते हैं. Body scrub is like आपको गर्मी में बहुत ज्यादा necessary है ये product. Like आपकी skin जो है ना वो इतनी ज्यादा dry feel होने लगती है, बहुत ज्यादा dirt इकट्ठा होने लगता है skin पे, so I highly suggest कि आपको body scrub start कर देना चाहिए, use करना. Second product जो I think बहुत सारे लोग use नहीं करते होंगे is of course shower gel. मैं shower gel basically मैंने I think बहुत पहले ही switch कर दिया था soap to shower gel में and अभी मैं recently तीन shower gel जो मैं यूज कर रही हूँ लाइक मेरे बाथरूम में आपको तीन शार जेल मिल जाएंगे जो दो मैं यूज कर रही हूँ इस फ्रॉम मामा अर्थ उसका मैं सेपरेट रिव्यू देने वाली हूँ तो ये वाला जो मामा अर्थ का शार जेल है ये मैं अभी यूज कर रही हूँ एंड इसके अलावा मैंने रिव्यू सुना था एम Caffeine के शार जेल का सो मैं इसे यूज करने वाली हूँ लाइक इसे मैंने अभी स्टार्ट नहीं करा यूज करना बट या इसके बाद मैं ये वाला शार जेल स्विच करूंगी लाइक पहले मैं मामा अर्थ का खत्म कर लू मैं पर्टिकुलरली इसके लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके मैंने इतने सारे रिव्यू सुने हैं ना मतलब इसकी फ्रेग्रेंस से लेके इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसे यूज करने के बाद सो मे बी आफ्टर मामा अर्थ मैं इसे डेफिनेटली यूज करूंगी ओके सर नेक्स्ट हम आते हैं लाइक शार जेल हो गया बॉडी स्क्रब हो गया है अब हम आते हैं एलोवेरा जेल पे एलोवेरा जेल भी बहुत सारे लोग यूज नहीं करते मैंने देखा है लाइक वो नॉर्मली एलोवेरा जेल आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली प्लांट से बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है प्लांट से एलोवेरा जेल निकालूं और फिर उसे अप्लाई करूं मेरे हेयर पे या फिर मेरे फेस पे तो उतना टाइम मेरे पास नहीं है सो अभी मैंने रिसेंटली परचेज करा है वाओ का एलोवेरा जेल बिकॉज इसके भी मैंने बहुत सारे रिव्यू सुने थे सो इसे मैं अब यूज करने वाली हूँ एंड इसके पहले लाइक इसके पहले तक मैं यूज करती थी पतंजलि वाला बट अब मैं स्विच करना चाहती थी किसी दूसरे ब्रांड की साइड इसलिए मैंने ये वाला परचेज करा है दैट इज फ्रॉम वाओ एंड मैं अब इसे यूज करूंगी फॉर माई हेयर एज वेल एज फॉर माई स्किन बालों के लिए भी क्या होता है कि मैं जल्दी से अभी मास्क नहीं बना पा रही मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही सो व्हाट आई विल डू कि मैं सिर्फ दही लूंगी और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करके फिर अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर लूंगी बिकॉज दही बहुत ज्यादा मेरे लिए जरूरी बिकॉज उसे लगाने के बाद जो मेरे हेयर का डेंड्रफ है प्लस जो भी इरिटेशन होते हैं ना मेरे स्कैल्प पे वो बहुत कम हो जाता है दही लगाने से सो मैं उसके साथ एलोवेरा मिक्स करती हूँ हमेशा इसलिए एलोवेरा प्लस दही में यूज करने वाली अगर आपकी स्कैल्प में भी इरिटेशन होती है या फिर बहुत ज्यादा खुजली होती है तो फिर आप दही डेफिनेटली यूज करिए आपको बहुत अच्छा लगेगा नेक्स्ट अप आई हैव इज ऑफकोर्स टोनर और यू कैन से एनी काइंड ऑफ मिस्ट वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है लाइक आपको क्या यूज करना है मैं पर्सनली टोनर यूज कर रही हूँ बट इसके पहले तक लाइक आई थिंक मैंने लास्ट ईयर तक मैं रोज वाटर यूज करती थी मैं टोनर नहीं यूज करती थी फिर मुझे रियलाइज हुआ कि टोनर अलग है रोज वाटर अलग है रोज वाटर मैं अब यूज नहीं करती हूँ लाइक मैंने बहुत टाइम से रोज वाटर यूज नहीं करा है सो द वन दैट आई एम यूजिंग लाइक अपार्ट फ्रॉम रोज वाटर इज ऑफकोर्स टोनर टोनर के लिए मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी ऑलरेडी बट इनकेस अगर आपको टोनर सूट नहीं होता है अगर आप एक टीनेजर देन गो अहेड विद दिस कुकुम्बर टोनर दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ टोनर ओनली बट ये बहुत ज्यादा अच्छा है लाइक ड्राई स्किन के लिए सेंसिटिव स्किन के लिए बिकॉज TNW के प्रोडक्ट्स मैंने आई थिंक बहुत बार यूज करे हुए हैं मुझे पर्टिकुलरली उनका रोज वाटर बहुत ज्यादा पसंद था मैंने आई थिंक उसके दो से तीन परचेज करे एंड उसके बाद जो मेरा फेवरेट है ना वो है ये कुकुम्बर टोनर सो या कुकुम्बर टोनर समर के टाइम पे आपकी स्किन को बहुत ज्यादा रिफ्रेश रखेगा मैं हमेशा फेस वॉश करके आती हूँ ना मेरी स्किन जो है ना वो बहुत ज्यादा ड्राई महसूस होने लगती है दैट्स व्हाई मैं एक टोनर
आपको हाईली रेकमेंड करूंगी। उसके बाद आप मॉइस्चराइजर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको कोई और टोनर रेकमेंड करूँ, बस एक और टोनर है, दैट इज फ्रॉम मिनिमलिस्ट। सो दिस इज द टोनर जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी फ्रॉम मिनिमलिस्ट। आई थिंक मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेटर, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, देन प्लीज गो अहेड एंड चेक मिनिमलिस्ट प्रोडक्ट्स। मैंने बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज करे, लाइक मेरी फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड करा था उनके प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए, कि मुझे भरोसा नहीं था कि उनके प्रोडक्ट्स कैसे आएंगे, बट उसने मुझे कन्विंस कर लिया कि तुम बस टोनर यूज करके देखो एंड टोनर के बाद फिर तुम अगर चाहो तो उनके और प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। एंड राइट नाउ मेरे पास आई थिंक मिनिमलिस्ट के 4 प्रोडक्ट्स है जो मैं अभी करेंटली यूज कर रही हूँ। या मिनिमलिस्ट बहुत ही ज्यादा सॉलिड ब्रांड है, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, अगर आपकी ऑयली स्किन है, इवन ड्राई स्किन है ना, सो प्लीज गो अहेड एंड चेक मिनिमलिस्ट प्रोडक्ट। आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। द थिंग इज मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि समर्स के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या जरूरी आपकी बॉडी के लिए। सो या नेक्स्ट वन इज अ बॉडी लोशन। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग बॉडी लोशन स्किप करते हैं, आई डोंट नो वाई। मैं इवन समर्स हो, विंटर्स हो, कोई भी सीजन हो, मैं कभी भी बॉडी लोशन स्किप नहीं कर सकती हूँ। बॉडी लोशन रूटीन में फिक्स कर दो, बिल्कुल फिक्स कर, मतलब नहाने के बाद बॉडी लोशन चाहिए, मतलब चाहिए। सो सबसे इजी ऑप्शन जो आई थिंक सब लोगों के पास अवेलेबल होगा इज वैसलीन। ऑफकोर्स मैं ये वाला यूज करती हूँ, दैट इज कोको ग्लो, एंड मैं वैसलीन के ही बॉडी लोशन यूज करती हूँ। यूज बहुत ज्यादा चूजी नहीं हूँ बॉडी लोशन में, लाइक मुझे जो मिल जाए मुझे वो चाहिए, बट बॉडी लोशन चाहिए मुझे, चाहे कोई भी हो। सो मेरे पास आई थिंक बॉडी लोशन जो है ना वो सारे वैसलीन के ही है। सो या मेक श्योर कि आप कोई भी बॉडी लोशन यूज करें, बट आपको बॉडी लोशन यूज करना है। सो रिसेंटली मैंने अभी एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करा था, मैंने वो चिल्बी की वीडियो में देखा था, दैट इज डेड स्किन रिमूवर ग्लव जो आता है, दैट इज एक्सफोलिएटिंग ग्लव ऑफ कोर्स। सो ये वाला जो था जो मैंने चिल्बी की वीडियो में देखा था, एंड आई वाज सो एक्साइटेड फॉर दिस, लाइक मैं ट्राई करना चाहती थी कि किस टाइप का होगा ये, सच में डर्ट निकालता है या नहीं। सो आई जस्ट थॉट कि मुझे एक ट्राई देना चाहिए। द प्राइस रेंज इज आई थिंक नॉट सो अफोर्डेबल, बिकॉज आपको एक ग्लव मिलता है 527 का। सो आई विल जस्ट शो यू कि ये किस टाइप का है, बिकॉज मैंने इसे ऑलरेडी यूज कर लिया है 5 से 6 बार, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो आपको ये सिंगल पीस मिलेगा 527। सो टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, ये अपना काम बहुत अच्छे से करता है, इसे डेली यूज करने की नीड नहीं है, बिकॉज डेली डर्ट जमा नहीं होगा। फिर अगर वो डेली डेट स्किन नहीं रिमूव करेगा, सो मे बी आपको लगेगा कि ये काम नहीं कर रहा है, बट मैं इसे यूजली अभी वीक में यूज कर रही हूँ, एंड आई मस्ट से ये बहुत अच्छे से काम करता है। सो आई थिंक इट्स लाइक अ स्क्रब ओनली लूफर टाइप ऑफ अ थिंग है, बट नॉट एक्जैक्टली दैट लूफर थिंग, बट या इसका जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा हार्ड, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो मे बी आपकी स्किन में थोड़े से रैशेस आ सकते हैं इसे यूज करने के बाद, बट आपको पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट जरूर करना है, उसके बाद ही आप इसे यूज करना, एंड बहुत ज्यादा मत कर लेना, अदरवाइज खून भी आ जाएगा, फिर आप मेरे से कंप्लेन करोगे कि दीदी आपने क्या बता दिया है। सो या टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी जो समझ में है ना वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन कोई कैसे नहीं लगा सकता है, समर्स में छोड़ो, मैं विंटर्स में छोड़ो, मैं इवन अगर मेरा बस चले ना तो मैं रात में भी सनस्क्रीन लगा के, सो वो मेरे रूटीन में इतना फिक्स हो गया है ना, आप कोई भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। सो इनकेस अगर आपको कंफ्यूजन है कि ऐसी कौन सी सनस्क्रीन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो मैं आपको 2 सनस्क्रीन बताती हूँ, दोनों ही SPF 50 प्लस है। आपको अगर 30 वाली चाहिए ना, सो मे बी यू कैन चेक मामाअर्थ, बिकॉज इसके पहले मैं मामाअर्थ यूज कर रही थी। सो दिस इज द न्यूट्रोजीना वन, दैट इज SPF 50 प्लस, एंड ये मैं यूज कर रही हूँ आई थिंक गर्मी के स्टार्टिंग से, एंड अभी ये खत्म होने वाली है, मे बी इसमें लग रहा होगा कि इसमें है, ये खत्म होने वाली है। एंड इसके अलावा जो सेकंड वाली है जो मैं आपको रेकमेंड करने वाली हूँ इज ऑफ कॉस्ट फ्रॉम मिनिमलिस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि मैं 4 प्रोडक्ट्स है जो मैं मिनिमलिस्ट के अभी यूज कर रही हूँ। सो दिस इज द सनस्क्रीन, दिस इज ऑल्सो SPF 50 प्लस, सो डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक दिस आउट। ऑल्सो अगर आपको कंफ्यूजन है कि आप पूरी बॉडी में सनस्क्रीन कैसे लगा सकते हैं, सो व्हाट यू कैन डू, वेयर इज माय मॉइस्चराइजर। सो इनकेस अगर आपको लगता है कि जो सनस्क्रीन है ना वो आपके फेस पे व्हाइट कास्ट छोड़ रही है, बहुत ज्यादा छोड़ रही है, एंड आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू, आपको अपने मॉइस्चराइजर में, मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज कर रही हूँ दिस सिंपल वन। सिंपल के मॉइस्चराइजर जो है ना वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। मेरी स्किन जो है ना उसमें थोड़े थोड़े से पिंपल्स आने लगे थे, बट या मैंने मॉइस्चराइजर जो है ना वो स्विच कर दिया सिंपल पे। आई थिंक मे बी जो मेरा पुराना वाला मॉइस्चराइजर था ना वो मुझे सूट नहीं हो रहा था, सो उसकी वजह से मुझे पिंपल्स आ रहे थे। एंड मैं क्या करती हूँ कि मॉइस्चराइजर में सनस्क्रीन मिक्स कर लेती हूँ, एंड उसके बाद फिर मैं अप्लाई करती हूँ अगर मुझे बहुत ज्यादा लगता है। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे शूट करना पड़ता है, उसके बाद वो व्हाइट कास्ट आ जाती है, दैट्स व्हाई मैं क्या करती हूँ इन दोनों को मिक्स कर लेती हूँ, एंड फिर अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। एंड ऑल्सो आप इसे अपने बॉडी लोशन में भी मिक्स कर सकते हैं और अपनी पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर अगर आप कहीं बाहर शूट कर रहे हैं या फिर टेरेस पे, बालकनी पे, सो उस केस में आपको अपनी बॉडी लोशन में सनस्क्रीन मिक्स करना है एंड फिर उसे अपने बॉडी पे लगाना है।
टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट जो कि आपको समझ में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है इज ऑफ कोर्स परफ्यूम्स। परफ्यूम्स के बिना मेरा दिन अधूरा है। लाइक पहले मैं ऐसी लड़की थी जो मैं परफ्यूम्स यूज नहीं करती थी। मैं यूजली तब परफ्यूम यूज करती थी जब मुझे कहीं बाहर जाना पड़ता था, बट राइट नाउ मैं अब नहा के आती हूँ, मैं सबसे पहले परफ्यूम छिड़कती हूँ। मुझे पता नहीं क्या ही हो गया बट मैं अब डेली परफ्यूम यूज करती हूँ। मुझे खुद भी रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे दिन भर काम करना है तो मुझे अंदर से वो एनर्जी चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। सो मैं डेली परफ्यूम्स यूज करती हूँ एंड समर्स के टाइम पे मुझे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो इसलिए अगर आपको एक फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हो ना परफ्यूम पे, देन उसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, बिकॉज एक पूरा वीडियो है मेरे चैनल पे रिलेटेड टू परफ्यूम दैट टू अंडर ₹200 आई गेस। सो या प्लीज गो अहेड एंड चेक दैट आउट। So guys, that's it for today. I hope you enjoy my today's summer collection. And also tell me in the comment section कि आपको और क्या-क्या पसंद है Amazon से, so that I can create more such Amazon videos for you guys. And yeah, I'll see you in my next video. Till then, stay home and stay negative. Bye.